ओम शांति। आइए आज राजयोग का अभ्यास करते हैं। अपने किचन में काम करते हुए भी, क्योंकि हम कर्मयोगी भी हैं, इसलिए हमें कर्म करते हुए बाबा की याद में रहना है। इसकी बहुत प्रैक्टिस करनी है। याद रखें, जैसा अन्न वैसा मन। तो आज हमें अपने अन्न को संपूर्ण शुद्ध और पावन बनाना है, और उसमें इतनी परमात्मा की, शिव बाबा की शक्तियां भर देनी है कि जो भी उसे खाएं वह स्वस्थ भी रहे और प्रसन्न भी रहे। यही होता है वास्तविक रूप से ब्रह्मा भोजन। जैसे ही आप अपने किचन में एंटर करें तो थॉट क्रिएट कीजिए कि मैं एक बहुत पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक बहुत पवित्र आत्मा हूँ, इसलिए बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है उनके लिए, भोग बनाने के लिए, और इस भोग को उनके बच्चे भी स्वीकार करेंगे। बाप दादा तो स्वीकार करेंगे ही, साथ ही साथ उनके बच्चे भी ग्रहण करेंगे। फिर बाबा का आह्वान करें, बाबा, मीठे बाबा, आइए मेरे रसोई में, मेरे किचन में आइए, हम दोनों ही मिलकर आज भोजन बनाते हैं। देखिए बाबा को नीचे उतरते हुए परम धाम से, अपने नैनों के सामने उन्हें लाकर टिका दें दीवार पर, या तो फिर उन्हें आप अपने सिर के ऊपर भी फील कर सकते हैं। आज मान लीजिए आप खीर बनाने जा रहे हैं, तो कैसे इस खीर में बाबा की सर्वशक्तियों की किरणों को भरें, उनके वाइब्रेशंस भर दें। बहुत इजी तरीका बताती हूँ। जैसे ही आप पतीले में दूध चढ़ाएं, थॉट क्रिएट करें कि ये साधारण दूध नहीं है, इस दूध में बाबा की पवित्र किरणें भरी हुई हैं, इस दूध में बाबा की पावन किरणें भरी हुई हैं, और विजुलाइज कीजिए कि बाबा की लाइट आकर दूध में पड़ रही है। दूध में कलछी चलाते समय ये सोचिए कि मैं बाबा की पवित्र किरणों को दूध में घोल रही हूँ, मैं भी परम पवित्र आत्मा हूँ, बाबा पवित्रता का सागर है, और उनकी पावन किरणों को मैं इस दूध में मिला रही हूँ। जब दूध में चावल डालें तो सोचें, ये चावल भी ऑर्डिनरी चावल नहीं है, इसमें परमात्मा की शक्ति की, शांति की लाइट मिली हुई है। इसमें, इस चावल में परमात्मा की शांति की लाइट मिली हुई है। कलछी चलाते समय सोचें कि इसमें बाबा की पवित्रता और शांति की किरणें भरी हुई हैं। बाबा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, और मैं आत्मा भी शांत स्वरूप, पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें इस खीर में डाल रही हूँ। जब ड्राई फ्रूट्स डालें, मान लीजिए काजू डालें, तो उसमें बाबा की शक्ति भर दें, शक्ति की लाइट भर दें। किशमिश में बाबा की सुख की किरणें भर दें, और उसमें
खीर में मिलाते जाएं। जब चीनी डालें तो सोचें कि ये साधारण चीनी नहीं, इसमें तो बाबा के मीठे प्यार की शक्ति भरी हुई है, प्रेम की शक्ति भरी हुई है। जैसा मीठा बाबा है वैसी ही मीठी ये शक्कर है, और उसे बहुत प्यार से खीर में घोल दें। जब इलायची पाउडर डालें तो थॉट क्रिएट करें कि मैं इसमें बाबा की आनंद की किरणें डाल रही हूँ, बाबा की आनंद की किरणें इस इलायची में भरी हुई है और इसे मैं खीर में मिला रही हूँ। इस तरह से आपकी जो खीर बनकर तैयार होगी वो अति स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होगी, टेस्टी भी और हेल्दी भी, क्योंकि बाबा की सर्वशक्तियों की किरणों को आपने इसमें डाल दिया, मिला दिया है। फिर बड़े प्यार से बाबा को भोग लगाएं, बहुत प्यार से बाबा को भोग लगाएं, सभी को खिलाएं और खुद भी खाएं। जब सब लोग वाह वाह कहें तब आप कहें वाह बाबा वाह, वाह मेरी तकदीर वाह। आज ट्राई करके देखें, कोई भी डिश आप तैयार करते हो उसमें आप बाबा की हर एक शक्ति को भरें, एक एक इंग्रेडिएंट में एक एक बाबा की शक्ति भर दें और फिर कमाल देखें बाबा का। ओम शांति।